डॉक्टर सिंह की वीडियो सुपर है भाई। तो देखा तुम सबने, खाना फेंका नहीं जाता है। तो मुझे पता है कि मेरे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम और चलती हुई लू के कारण मैंने काफ़ी सारी मकबैंग की वीडियोस और आप सबकी रिक्वेस्ट को मिस कर दिया, बट नाउ आई एम बैक ऑन द ट्रैक। अब हर दिन एक नई वीडियो आती रहेगी। बाकी यार भूख बहुत ज़्यादा तेज लगी है तो मैं बता देता हूँ, आज की वीडियो में हमारे पास है वेज नूडल्स, वो भी फुल, इसके अलावा पनीर वाले मोमोज और उसके स्पाइसी डिप। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड और आ जाने वाले हर एक सब्सक्राइबर्स के लिए। हो सकता है आप सबको थोड़ा सा ऑडियो का डिस्टर्बेंस मिले क्योंकि गर्मी इतनी है, बिना पंखा बिना एसी बंद किए वीडियो बनाना नामुमकिन है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी। और ये रहा स्पाइसी बाइट। मोमोज इज रियली टू गुड और फ्रेश, अच्छा है, स्वाद एकदम दिल को छू रहा है। और फेस हाइड करने का बस यही रीज़न है क्योंकि गर्मी की वजह से स्वेटिंग बहुत हो रही है, भले एसी चले तो क्या। बाकी ये रही स्पाइसी बाइट। वल्ला बहुत ज़्यादा उमदा टेस्ट आ रहा है मोमोज का। गर्मी इतनी है कि अमृत को पीना ही पड़ेगा। ये जब लाया था मैं तो बर्फ़ जमी हुई थी, अभी नॉर्मल हो चुका है, समझ सकते हो गर्मी का स्तर क्या है। यार मुझे सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत ही दिन बाद मकबैंग की वीडियो बना रहा। वैसे जो वीडियोस लेट आ रही थी उनका भी एक स्पेसिफिक रीज़न था। मैं जब जब मकबैंग की वीडियो बनाने का सोचूं और अपने रूम में जाऊं इतनी गर्मी, या बाहर जाऊं कुछ खाना लेने तो इतनी गर्मी कि मूड ही स्विम हो जाता था, चेंज हो जाता था। ये देखो भाई ब्यूटी, वैसे तो मुझे नूडल्स ज़्यादा पसंद है बट आज मोमोज ने दिल जीत लिया। जितने दिन वीडियो नहीं बनी, बाय गॉड, या तो अपने मील को मिस किया या तो आप सबको मिस किया। मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी जिसमें आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि बताना कुछ चैलेंज वैलेंज हो, तो आप सबका बहुत मैसेज आया उस पर,
कुछ ज़्यादा ही आ गया, पूरे 3 मैसेजेस। उनमें से जो सबसे सटीक मुझे लगा है वो मेरा और रोहित का गोलगप्पे वाला चैलेंज है, जो कि हम कोशिश करेंगे कि अब जल्दी आए। और देखो, मुझे कंप्लेन नहीं चाहिए कि हर बार नूडल्स ही क्यों, क्योंकि आप सब मुझे सजेस्ट नहीं करते कि मैं क्या खाऊं। एक्सेप्टेड रिया, फिर से उसका कमेंट आएगा गुस्से वाला। स्वेयर बाई गॉड, ये सारा खाना मात्र 110 में मैं लाया था, बट नूडल्स में हाफ का हाफ भी नहीं खा पाया। हालांकि ये थोड़ा ठंडा हो रहा है तो अब उतना टेस्ट भी नहीं आएगा, बट मोमोज भाई साहब, ठंडे होने के बावजूद भी क्या टेस्ट है, काश मैं तुम सबको बता सकता। बाकी देख के पता कर लो यार, कितना सॉफ्ट है अभी भी। ये होता है फ्रेश मोमो जब बनता है, ऐसे टेस्ट हमेशा फ्रेश मोमोज से ही आते हैं। एंड नाउ द लास्ट बाइट। तो भाई बस आज का मुकबैंग यहीं पे स्टॉप करते हैं, बचा हुआ हम बाद में शेयर कर लेंगे। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने भुक्कड़ दोस्तों में शेयर करना, और कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। कि ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैं मिलूंगा आप सभी से एक नेक्स्ट टेम्पटिंग और ऑसम वीडियो के साथ में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड बी भुक्कड़।